हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी शीट चैनल दोस्तों प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस सीएलटी से उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूं ये दोस्तों सीरीज नंबर ट्वेंटी फाइव है एंड दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स की सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी वीडियोज मेरे चैनल पे हैं आप मेरे चैनल के सभी वीडियो जाकर के चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज की तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किससे मापी जाती है हृदय श्वसन क्षमता यानी कि कार्डियो रिस्परेटरी एंड सबसे उत्तम किससे मापी जाती है तो इसका सही जवाब होगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को उन्नीस में ल्यूसिन ब्रोहा ने बनाया था किसने बनाया था ल्यूसिन ब्रोहा ने बनाया था दोस्तों यह हृदय श्वसन क्षमता का सबसे उत्तम मापन करता है हृदय श्वसन क्षमता यानी कार्डियो रिस्पायरेटरी इंडोरेंस ब्रोहा एवं अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया इसे एरोबिक पुष्टि परीक्षण भी बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही कठिन क्वेश्चन है ध्यान पूर्वक देखिएगा आपको सही सुमेलित करना है एक तरफ दिया हुआ है मसल सोरनेस ओवर ट्रेनिंग मसल पूल मसल क्रैम एक तरफ दिया है मांसपेशियों के रेशों का लगातार दर्द में संकुचन अत्यधिक कठिन कार्य के बाद दर्द और असुविधा मांसपेशी हड्डी और जोड़ों में लगातार दर्द कंकालीय मांसपेशियों के रेशों में अचानक स्थानीय और लगातार दर्द तो दोस्तों इसको आप मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है सबसे पहले हम देखेंगे जो आपको आता होगा सबसे पहले उसको मिलाइए उससे आपका आंसर जो है पकड़ में आ जाता है तो सबसे पहले हम देखेंगे मसल सोरनेस क्या होता है जैसा कि दोस्तों मसल सोरनेस में क्या होता है कि अत्यधिक कठिन कार्य करने के समय अचानक से तीखा दर्द होता है यानी कि अत्यधिक कठिन कार्य के समय यानी कि दर्द सहित कार्य करना दर्द सहित कार्य यानी कि मसल सोरनेस में कार्य और दर्द कठिन कार्य और दर्द दोनों आएगा उसको करने में परेशानी जो होगा वही मसल सोरनेस होता है तो आपका मसल सोरनेस किसका हो जाएगा एक का टू एक का टू किस में दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है जैसा कि एक के आंसर लगाने से ही वो आंसर पकड़ में आ जा रहा है जैसे कि मसल सोरनेस मांसपेशी अत्यधिक कठिन कार्य के बाद दर्द और असुविधा होना एंड ओवर ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों जब ओवर ट्रेनिंग हो जाता है तो मांसपेशी हड्डी और जोड़ों में लगातार दर्द होता है तो बी का थ्री ठीक है एंड मसल पुल मसल पुल क्या होता है कि कंकालीय मांसपेशी के रेशों में अचानक स्थानीय और लगातार दर्द मसल पुल दोस्तों मांसपेशी की चोट है इसलिए अचानक से मांसपेशी खींच जाने से बलपूर्वक खींच जाने से लगातार दर्द होता है मांसपेशी रेशों में उसको मसल पुल बोला जाता है तो सी का फूल हो जाएगा एंड दोस्तों मसल क्रैम्प क्या होता है क्रैम्प मतलब संकुचन सिकुड़ जाना या क्रैम्प हो जाना या ऐठन हो जाना तो इसका होगा के रेशों का लगातार दर्द में संकुचन लगातार दर्द में संकुचन का वन तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है जैसा कि दोस्तों हड्डियों में ब्रेक आने को क्या कहते हैं आप सबको पता होगा ग्रीन स्टीक ज्यादातर ये बच्चों में ही होता है छोटे बच्चे या शिशुओं में हड्डी टूटती नहीं है उसमें ब्रेक आ जाता है मुड़ जाता है जैसा कि दोस्तों अस्थि भंग यानी कि फ्रैक्चर हड्डी का टूटना कई प्रकार के होते हैं जैसे कि एक होता है साधारण फ्रैक्चर यानी कि सिंपल फ्रैक्चर जिसे क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं या हड्डी टूट जाता है प्लस बट वो त्वचा नहीं फटती है एक होता है मिश्रित फ्रैक्चर यानी कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर इसमें हड्डी टूटकर चमड़ी से बाहर निकल जाती है एंड एक होता है जटिल फ्रैक्चर यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर इसमें क्या होता है कि हड्डी टूटकर मुलायम अंगों जैसे फेफड़े हृदय गुर्दे आदि में एक होता है विखंडित फ्रैगमेंटेड फैक, फ्रैक्चर इसमें क्या होता है कि इसमें क्रॉसिंग चोट के कारण हड्डी कई टुकड़े में टूट जाती है चकना चूर हो जाती है एंड एक होता है मल्टीपल फ्रैक्चर जिससे इसमें हड्डी एक से ज्यादा जगह पर टूट जाती है एंड एक होता है इम्पेक्टेड फ्रैक्चर जिसे संघात फ्रैक्चर पनेट्रेशन फ्रैक्चर भी बोलते हैं इसमें इम्पेक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी टूट कर दूसरी हड्डी में घुस कर रगड़ खाती है और एक ग्रीन स्टिक जो बच्चों में होता है और इसका पूर्ण विकास नहीं होता है तो टूटती नहीं है ब्रेक हो जाता है यानी मुड़ जाता है एक डिफ्रेंस फ्रैक्चर होता है जो खोपड़ी के कपार या क्रेनियल भाग की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है रोगात्मक अस्थिभंग एक होता है जैसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं जब रो, रोग रोगग्रस्त हड्डी या छोटे से आघात लगने के कारण टूट जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह विभंग जिसमें दोनों अस्थियों के भग्न छोर एक दूसरे से टकरा कर टकराते हैं तो दोस्तों अभी मैं तुरंत बताई हूं कि जब एक एक हड्डी दूसरे हड्डी में घुस करके टकराता है या एक हड्डी का सीधा दूसरे हड्डी से टकराता है तो उसे अंतर्घटित विभंग या संघात फ्रैक्चर या इंपैक्टेड फ्रैक्चर बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार का बैंडेज का उपयोग किया जाता है तो इसका सही जवाब है रोलर बैंडेज जब उंगली में चोट लग जाता है तो किस प्रकार के बैंडेज का प्रयोग करते हैं रोलर बैंडेज रोलर बैंडेज व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाने वाले बैंडेज होते हैं इनका उपयोग शरीर के भागों को अचल इमो इमोबोलाइज इमो करने में किया जाता है चोट लगने के दौरान जब किसी अंग जैसे कि हाथ पैर या उंगलियों से रक्त स्त्राव होने लगता है तो इन बैंडेजों के माध्यम से दबाव बनाकर वाह्य अथवा आंतरिक रक्त स्त्राव को रोकने का कार्य किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नाम की अस्थि चोट की एक किस्म में अस्थि टूट जाती है यानी कि किस नाम की अस्थि चोट में चोट की एक किस्म है जिसमें अस्थि टूट जाती है और उतक या धमनी जैसे अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो दोस्तों यही होता है आपका जटिल भंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर जटिल भंग यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जो हड्डियां टूटकर मुलायम अंगों फेफड़ों हृदय गुर्दे में धस जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिना घाव का हड्डी टूटना कहलाता है बिना घाव का तो इसे सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं जिसमें घाव नहीं होता यानी कि हड्डी टूटता है चमड़ी नहीं फटती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभंग जिसमें अस्थि तथा त्वचा दोनों टूटते हैं तथा संक्रमण का खतरा बना रहता है कहलाता है तो यह क्या कहलाता है दोस्तों अस्थि और त्वचा दोनों टूटते हैं तो इसको समिश्र विभंग यानी मिश्रित फ्रैक्चर यानी कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपेन फ्रैक्चर बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशियों में ऐठन मसल्स क्रैम का कारण है तो पेशियों में मसल क्रैम का क्या कारण है पेशियों में खिंचाव हो जाना ऑप्शन तो नंबर ए करेक्ट आंसर यानी पेशियों में ऐथर यानी मसल्स क्रैम का कारण पेशियों में खिंचाव है खिंचाव साधारण भी हो सकता है और असाधारण भी हो सकता है इसके कारण कई बार असहनीय दर्द भी हो सकता है अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान ऐसी अनेक स्थितियां होती हैं जिसके कारण खिंचाव हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह क्या है इसका सही जवाब है अचानक ओवर स्ट्रेचिंग अचानक से आप ओवर यानी आवश्यकता से अधिक स्ट्रेचिंग कर देते हैं मांसपेशियों का तो तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह तनावपूर्ण मांसपेशियों में ज्यादा तनाव हो जाता है यानी कि दोस्तों अचानक ओवर स्ट्रेचिंग तनाव पूर्णमांस पेशियों की प्रमुख वजह होती है अचानक ओवर स्ट्रेचिंग से शरीर का वार्म अप सही ढंग से नहीं हो पाता जिसके कारण पेशियों में ऐठन यानी मसल क्रैम्प हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर कहाँ किस हड्डियों में ज्यादा होता है यानी कि व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर खाली जगह है पी हड्डियों में होता है कहाँ पे होता है दोस्तों तनाव फैक्चर यानी स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है वो हमारे घुटने के नीचे ज्यादातर होता है ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर घुटने के नीचे ज्यादातर होता है ठीक है व्यायाम से संबंधित तनाव फैक्चर यानी स्ट्रेस फ्रैक्चर प्राय टांग के निचले भाग अर्थात घुटने के नीचे की हड्डियों में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशी मरोड़ ऐठन का क्या कारण होता है यानी मसल क्रैम्प पेशी मरुण यानी ऐठन का क्या कारण होता है लवण की कमी लवण यानी नमक की कमी पेशी में कोई भी चोट, संवातन, ये सभी ऑप्शन नंबर डी ए सभी लवण की कमी भी होता है पेशी में कोई चोट हो गया तो भी होता है अति संवातन हो गया तो भी होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या रीढ़ की हड्डी की चोट से संबंधित नहीं है एवरेजन फ्रैक्चर डिस्लोकेशन स्लिप डिस्क दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि फ्रैक्चर डिस्लोकेशन स्लिप डिस्क ये सब हड्डियों से रिलेटेड चोट है जबकि एवरेजन जो है वो त्वचा की चोटें हैं। इसलिए इस हड्डी की हड्डी की चोट से संबंधित एवरेजन नहीं है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों के खिंचाव को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे सममितीय का अर्थ आइसोमेट्रिक मसल्स है आइसोमेट्रिक का अर्थ आप समझते होंगे कि जिसमें सेम लंबाई होती है कोई भी गति करती हुई दिखाई नहीं देती है मांसपेशियों की लंबाई बदलती नहीं है स्थिर रहती है तो सममितीय मांसपेशी के खिंचाव को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी स्थैतिक मांसपेशी में खिंचाव ठीक है सममितीय मांसपेशी आइसोमेट्रिक मसल्स को यथाक्रम से संकुचित किया जा सकता है और संकुचन की अवधि लंबी की जा सकती है तथा तो यह स्थिति मांसपेशी में खिंचाव के कारण होता है इसकी लंबाई नहीं बदलती है इस पेशी में लंबाई नहीं बदलती है इसमें पेशी की लंबाई स्थिर रहती है Next question है त्वचा की चोट त्वचा की चोट है जो आमतौर पर किसी अपस्कर विशेष के साथ घर्षण या जिस जगह अस्थि त्वचा के काफी नजदीक हो उस जगह पर गिरने की वजह से लगी चोट के क्या कारण है कारण होती है क्या होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जिसे कहते हैं खरोच यानी रगड़ या छिलना एवरेजन एक प्रकार की त्वचा की चोट है खरोच आ जाए दोस्तों रगड़ आ जाए छिलना आ जाए इस शब्द जहां पे इस्तेमाल हो वहां पे एवरेजन होगा खरोज प्राय किसी अपस्कर के साथ रगड़ने के परिणाम स्वरूप हो जाता है या कभी कठोर जगह पर गिरने से हो जाता है खरोच आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों त्वचा की चोट है कौन कौन सी है त्वचा की चोट जैसे कि इसमें दिया है खिंचाव अंदर की चोट रगड़ उपयुक्त भी तो ऑप्शन नंबर सी आंसर रगड़ यानी एवरेजन या त्वचा की चोट है खिंचाव मांसपेशी की चोट है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर त्वचा की चोट कौन है रगड़ यानी एवरेजन त्वचा की चोट या खरोज त्वचा के अंदर की छोटी रक्तवाहिनी के कॉटने से उभरती है त्वचा की चोट को मुख्यतः तीन रूपों में बांटा गया है रगड़ या एवरेजन कटना यानी लेस, ले, लेस छाला या फफोला ब्रिस्टर्स अतः यह ऑप्शन रगड़ सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेजन की चोट है किसकी चोट है एवरेजन दोस्तों त्वचा की ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि त्वचा टूटती है और उससे रक्त निकलता है तो यह चोट कहलाती है तो यह दोस्तों लेसरेशन कहलाता है त्वचा भी टूट जाता है और उससे रक्त निकलता है तो लेसरेशन यानी विद्यूड़न बोला जाता है यदि त्वचा टूटती है उसे रक्त निकलता है तो यह या विदीरण यानी लेसरेशन कहलाता है इस चोट से त्वचा के फटने के परिणाम स्वरूप एक अनियमित घाव हो जाता है यह चोट किसी बाहरी नुकीली वस्तु से चोट लगने या कुंद वस्तु से चोट लगने के कारण हो सकता है और रक्त स्त्र होने लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रेप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है तो स्क्रेप त्वचा शब्द जहां आ जाए वहां तो होगा एवरेजन ही म्यूकस झिल्ली सबसे ऊपर चमड़ी पर होती है दोस्तों त्वचा या इस म्यूकस झिल्ली के ए, को एवरेजन कहते हैं जो मामूली चोट होता है यदि यह बड़े क्षेत्र में फैलती है तो समस्या बनती है इसमें खून वहने लगता है तथा कुछ देर दर्द रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है तो दोस्तों स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज आर आई सी ई पद्धति से किया जाता है इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आर आई सी ई का मतलब क्या होता है आर से होता है रेस्ट आई से आइस यानी बर्फ लगाना सी से कंप्रेशन यानी दबाना ई से इलेन यानी उठाना रेस्ट आर से रेस्ट का मतलब होता है विश्राम जैसे ही चोट लगे गतिविधि को रोकना चाहिए व रोगी को विश्राम दे देना चाहिए बर्फ आई से मतलब है बर्फ यानी आइस चोट के बाद संभव हो तो जख्मी हिस्से में बर्फ लगाएं और पी आर आई आर आई सी सी से यानी चोट वाले स्थान पर बर्फ लगाने के बाद दबाना चाहिए फिर से अंत में चोट लगे स्थान को ऊपर उठाना चाहिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में आता रहेगा एंड दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइए एंड दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके कि डेली बेसिस पर मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय